दोस्तों, सच्चाई की चाहे जितनी भी वकालत कर ली जाए, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होती है जो पावर में होता है। एक तरफ जाकिर नायक है, एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर जी है। बेचारे जाकिर नायक को देश छोड़कर भागना पड़ा, जबकि उन पर सिर्फ इल्ज़ाम है। कोई भी जुर्म अभी तक उनका साबित नहीं हुआ है, बस उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इधर साध्वी प्रज्ञा जी खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि वो बाबरी मस्जिद पर चढ़ी थी, उन्होंने खुद वो तोड़ा है। खुद इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रही है और बयान दे रही है, और आज वो पार्लियामेंट की एक मेंबर है। दोस्तों, हमेशा से यही दस्तूर रहा है हमारे पॉलिटिशियंस का, जो भी पार्टी आती है वो अपनी मनमानी कर जाती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तब कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। लेकिन दुख की बात यह है गाइस कि इसमें आम आदमी पिस जाता है। अब हिंदू भाई अपने मजहब के लिए वोट कर रहे हैं, वो राम मंदिर के लिए वोट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी को जिता दिया, जिनको डेवलपमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता अब, क्योंकि हिंदू भाई सबसे पहले अपनी आस्था को चाहते हैं। लेकिन कुछ हद तक ऐसे पॉलिटिशियंस जो मजहब के लिए लड़ते हैं, अगर कुछ हद तक ऐसे पॉलिटिशियंस रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सारे के सारे पॉलिटिशियंस सिर्फ मजहब के लिए ही काम करने लग जाएं तो डेवलपमेंट को अब राम ही जाने। थैंक यू सो मच गाइस।